So let's see what are the main problems that you are going to do in the problem set. You can keep your problem set right in front of you. Let me discuss two sums with you. Okay, so in problem set one, obviously there are many sums which are quite familiar, to you guys. So we will be focusing only those sums, ki which you feel you may feel a little tricky. Okay, तो question problem set one में question number three अगर आप देखेंगे, question number three से main हम लोग अगर चालू करेंगे तो वो graphic वाला part है, मतलब graphical analysis है. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर में अगर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर में दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व सम डिटरमिनेंट. ठीक है, तो अगेन दैट पार्ट आई फील यू विल फाइंड लिटिल इजी. देन देर इज अ क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व द एक्चुअल इक्वेशंस बाय द क्रैमर्स रूल, बाय द क्रैमर्स रूल, राइट? सो नाउ इन क्रैमर्स रूल ऑल वी नो व्हाट वी डू, राइट? We form the determinants and so on. So, in that particular one, let's try to solve this sum in question number five. Question number five, let's try to solve the third sum. Let's try to solve the third sum. So, they are asking you to basically solve by the Cramer's rule method. Okay, let me write the equations in front of you. 3x minus 2y is equals to 5 by 2. This is your equation number 1. And then there is another equation, x plus 3y is equals to minus 4 by 3. This is your equation number 2. Okay, these two equations are given to you guys, all right? And as you can see, these are there in their standard form. AX plus BY is equals to C. So normally in 10th standard we are keeping the constant on the right hand side. Okay? All right. Now the main thing is that we can see some fractions are over there. Fractions are 5 by 2 and minus 4 by 3. Okay. Now the main problem is someone can say ki sir, hum log is equation ko we will simplify. What we will do? We will simplify. Matlab yahan pe multiply by agar 2 karenge. जैसे अगर फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं अगर मल्टीप्लाई बाय टू कर देता हूँ, करेक्ट है? तो मल्टीप्लाई बाय टू करने से क्या हो जाएगा, वो जो फ्रैक्शन है वो एक नॉर्मल नंबर बन जाएगा. जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6x, 2 2 4y, एंड यहाँ पे जो फ्रैक्शन अपियर था वो फ्रैक्शन एक होल नंबर बन जाएगा, 2 2 कैंसिल होके 5 आएगा, एंड देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन. ओके, बट गाइस थोड़ा सा अगर हम लोग बोर्ड की माने या बोर्ड के कुछ एग्जामिनर्स की माने तो दे विल इंसिस्ट ऑन दिस वन थिंग कि क्रैमर सुल में जो सम दिए गए हुए हैं, ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम दे विल नॉट आस्क यू टू सिंप्लीफाई. दे डोंट वांट यू टू सॉल्व दिस इक्वेशंस इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म. ओके, हाँ, अगर हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो मैथमेटिकली वी आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इन टू दिस इक्वेशन. ओके, दिस इक्वेशन इन टू दिस इक्वेशन. ओके, तो अगर आप ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन को लेंगे तो आपका आंसर कोई भी गलत जाने वाला नहीं है. ओके, बट एज पर द बोर्ड पैटर्न और एज पर द बोर्ड रूल दे विल आस्क यू, दे विल इंसिस्ट यू टू यूज द ओरिजिनल इक्वेशन. दे विल नॉट आस्क, दे जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू सिंप्लीफाई. They want you to use them as it is. Okay? So let's deal with the situation. So these are the two equations right in front of us. Okay? We have to solve by Cramer's rule method. So as we know, we will take first of all D. So D is equals to, यहाँ पे क्या रहता है, X coefficient, यहाँ पे रहेगा Y coefficient. ठीक है? So immediately just pick out the X coefficient है.
वाई कोएफिशिएंट, दिस इज योर एक्स कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब वन रहेगा, सो यहाँ पे रहेगा 3 एंड यहाँ पे रहेगा 1। वाई कोएफिशिएंट यू कैन सी अलॉन्ग विद साइन -2 एंड हियर इट इज 3। ओके सो इमीडिएटली वी कैन कैलकुलेट दिस डी, सॉरी, सो व्हाट विल बी योर आंसर, सो यू हैव टू डू लाइक दिस, ओके, राइट टू लेफ्ट। अभी देखो जैसे आपने वो सीक्वेंस याद रखा रहेगा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आपको ऐसे जाना है और बाद में ऐसे जाना है, यहाँ पे मैं नंबरिंग देता हूँ चाहिए तो 1 एंड नंबर आएगा 2, ठीक है। अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हो तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2, ठीक है, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, ऑलराइट। नाउ 3 into 3 राइट माइनस, हाँ ये जो माइनस है ये ऑब्वियसली फॉर्मूला का माइनस है, दिस माइनस इज ऑफ द फॉर्मूला, एंड ये 1 into -2, सो योर आंसर विल बी 9 - -2, एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऑब्वियसली, एक सेकेंड का, अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में यहाँ पे 1/3 है, होल्ड फॉर अ सेकेंड, क्वेश्चन में यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1/3 है, ठीक है। सो एनीवेज हम लोग को भी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 1/3, ओके इतना ही चेंज करेंगे अपन। चलिए नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे भी क्या आएगा 1/3, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए तो फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। थ्री इंटू थ्री माइनस ये क्या आएगा 1/3 into -2, फॉर बिगिनर्स, और फॉर बिगिनर्स नहीं बोल सकते लेकिन जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट्स है गाइस, ये ऐसे सम्स तुम लोग को छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, सीक्वेंस याद रखो। हम लोग यहाँ पे बहुत बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट जाना है तो राइट टू लेफ्ट में आप खाली एरो को फॉलो करो, बस ये 1 ये 2, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा आंसर देखिए 3 3 9 माइनस, अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं बाद में थोड़ा सा और फास्ट जाएंगे, सो दिस इज योर -2 into 1 तो आ जाएगा -2/3, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 9 + 2/3, एंड इसका हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 9 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, सो 3 1 जा 3 1 जा, देन 9 3 जा, ये मैं बहुत बेसिक में बता रहा हूँ, इतना बेसिक में तुम लोग को बोर्ड में भी सॉल्व करना नहीं है, टेंशन मत लो, डायरेक्ट फ्रैक्शन आ ले लिखे आएंगे तो भी चलेगा। 9 3 जा 27, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, सो द फाइनल आंसर विल बी 29/3, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ टी, ओके। लेट्स सॉल्व द अदर थिंग्स दैट इज dx and dy। अब देखो यहाँ से हम लोग इक्वेशन मैंने सामने रखा है, dx का वैल्यू क्या रहेगा, तो लेट्स गो फॉर द वैल्यू ऑफ डी एक्स हियर। तो एज वी ऑल नो गाइस कि डी एक्स में क्या होता है, जो एक्स वाला पार्ट है यहाँ पे डी एक्स है राइट, सो हियर एक्स कोएफिशिएंट वाला जो पार्ट होता है उसको वी विल रिप्लेस बाय कांस्टेंट, विल रिप्लेस बाय कांस्टेंट, एंड द वाई कोएफिशिएंट वाला पार्ट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस डी एक्स फॉर फाइंडिंग द डी एक्स। Now this is your constant terms here, 5/2 - 4/3, right? These are the constant terms, and the y coefficient ka column will remain as it is, that is -2 and 3, okay, is equals to, now let's do the cross multiplication of this whole thing, kaise bataya maine,
पहले हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे पहली बारी में, एंड देन हम लोग ऐसे जाएंगे दूसरी बारी में, ठीक है? सो आंसर क्या आएगा? 3 × 5/2, राइट? माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, सेकेंड −4/3 × −2। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 15/2 माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस है, तो ये जाएगा प्लस, 4 × 8/3, एंड देन माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, वो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस हो जाएगा, −8/3। एंड नाउ वी विल अगेन डू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी विल अगेन डू दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड नाउ अभी इसके आगे ट्राई टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय योर ओन गाइस, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। सो द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट इज द 29/6। दिस विल बी योर आंसर, 29/6, दिस इज द आंसर ऑफ dx, ओके? देन सिमिलरली यू विल गो फॉर फाइंडिंग योर dy। सो dy का वैल्यू क्या रहेगा? देखिए ना यहाँ पे dy है, सो इंस्टेड ऑफ y वी विल टेक द कांस्टेंट नंबर्स, इंस्टेड ऑफ y वी विल टेक द कांस्टेंट नंबर्स, करेक्ट है? वी आर रिप्लेसिंग द कॉलम ऑफ y कोएफिशिएंट बाय कांस्टेंट नंबर्स, एंड वी विल कीप द एक्स कोएफिशिएंट एज इट इज, ठीक है? एक्स कोएफिशिएंट को एज इट इज रख देंगे, ठीक है ना? अब एक्स कोएफिशिएंट ऑलरेडी लिखे हुए हम लोग ने, दैट इज 3 and 1/3, एंड कॉन्स्टेंट क्या आएंगे? कॉन्स्टेंट दैट इज 5/2 and −4/3, ठीक है? अरेंजमेंट में करके देता हूँ सॉल्व, तुम लोग खुद से ट्राई करेंगे। वैसे देखो मैथ्स में क्या है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने को आएगा। सो अगेन राइट टू लेफ्ट हम लोग जाएंगे पहले, सो 3 × −4/3 −1/3 × 5/2, राइट? एंड देन वी विल सॉल्व दिस थिंग। अब देखो यहाँ पे 3 3, राइट? ये 3 3 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा कट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है ना, ये 3 3 कट हो गया, आंसर क्या आएगा? −4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 × 1 इज 5 and 2 3 is 6, देन −4, माइनस ये अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है? एंड नाउ व्हाट यू विल डू, यू नो द थिंग, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे आएगा 1 × 6, देन ये आएगा −4 × 6 −5 × 1। Your answer will be −24 − 5/6, that means −29/6. So now we are having all three values. So when we will put the values over here, ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, एक्स का फॉर्मूला उल्टा लिख के आते हैं, dx/d, प्रोबेबिलिटी में भी सेम करते हैं लोग। सो योर dx इज बेसिकली 29/6, एंड योर d, योर डी इज 29/3। सो वॉट विल हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस, जब ऐसे डबल फ्रैक्शन आ जाते हैं, दिस इज द मेन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में और एक फ्रैक्शन है, दिस 6 विल कम डाउन एंड दिस 3 विल गो अप, प्लीज रिमेंबर दिस एक्शन। सो 29 × 3/6 × 29, एंड नाउ वॉट विल हैपन, टेल मी वॉट विल हैपन, दिस 29 एंड दिस 29 विल गेट कैंसिल, विल गेट 3/6, एंड अगेन यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग, दैट इज 3 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, सो द आंसर ऑफ एक्स विल बी 1/2, ठीक है? नाउ आई विल लीव अपॉन यू दिस थिंग dy/dx।
दिस थिंग यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, ओके यू गाइस कैन ट्राई दिस थिंग बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, सो दिस वाज वन क्वेश्चन इन डिटरमिनेंट जिसमें कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आते हैं, इसके लिए हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। और मैंने क्या बोला कि अगर कोएफिशिएंट क्रैमर रूल का सम है एंड अगर कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है, कोएफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में है क्रैमर रूल का सम है, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई मत करो, सिंप्लीफाई मत करो। बोर्ड नहीं चाहता कि तुम लोग सिंप्लीफाई करो, बोर्ड वॉन्ट यू टू सॉल्व इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड, जस्ट वन सेकेंड। ओके, नाउ देर इज दिस वन इंटरेस्टिंग सम, देर इज वन इंटरेस्टिंग सम राइट बिलो ऑफ इट, सम नंबर 5 का 5th, ठीक है। सो बेसिकली दे हैव गिवन यू 3 रेशियोज, डायरेक्टली उन्होंने इक्वेशन नहीं दिए है, उन्होंने रेशियोज के फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है बस। बाद में एक स्टेप के बाद ये सम तुम लोग को जाना पहचाना सा लगने लगेगा, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा अनजान लग रहा है। सो दिस 3 इक्वल रेशियोज आर देयर, दैट मीन्स वॉट, यू कैन इक्वेट एनी 2 रेशियोज, यू कैन इक्वेट एनी 2 रेशियोज, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो को इक्वेट कर लो चलेगा, सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को इक्वेट कर लो तो भी चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या इसमें रेडीमेड इक्वेशंस दिए हुए नहीं है, 3 रेशियो दिए हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट इक्वेट द फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो। तुम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो, बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे मिलेगा अपने को, सिंपल बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। चलो लेट्स सॉल्व दिस थिंग, लेट्स डू द, अब देखो ना 2 रेशियो आइदर साइड में प्रेजेंट है, द ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई माइनस ए, एंड देन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस 2 वाई माइनस 14। नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन, कम ऑन, क्या आएगा आंसर, 3x प्लस 3 वाई प्लस माइनस माइनस, 3 8 24, 2 2x, 2 2 4y, करेक्ट है। एंड देन -56, ठीक है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स एंड वाई वाले को उधर भेज देंगे हम लोग और कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज देंगे, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2x, 3y माइनस 4y, ओके, एंड ये -24 उधर गया ना, सो -56 प्लस 24, ना ये 3 माइनस 2 आंसर क्या आएगा, एक्स, 3 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 4 इज -1, नो -1 नहीं लिखा तो भी चलता है ना, करेक्ट है, दैट्स व्हाई आंसर विल बी -y। ऑलराइट, एंड इसका आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3, बड़ा आंसर बड़े नंबर का जाएगा तो माइनस। सो यहाँ से तुम लोग को मिला इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है। अब सिमिलरली व्हाट यू विल डू, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट किया, तो हम लोग क्या करेंगे बाय इक्वेटिंग, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं जरा सा,
बाय इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, ठीक है। चलिए सेकेंड एंड थर्ड रेशियो क्या है देखते हैं। एक्स प्लस टू वाई माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को, करिए। क्या आएगा आंसर? 4x, 4 टू जा 8y 56, ये आएगा आपका 9x माइनस 3y। नाउ अगेन जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो वहां पे जाएगा, 4x माइनस 9x 8y प्लस 3y, यानी कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज दो, माइनस 56 यहाँ पे आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 56। 4 माइनस 9 क्या आएगा आंसर? माइनस 5x। 8 प्लस 3 आंसर क्या आएगा? 11y। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर एंड देन यू गाइस आर हैविंग टू इक्वेशंस विथ यू। तभी इन दो इक्वेशंस को तुम लोग क्या कर सकते हो? बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व कर सकते हो। सो दैट आई विल लीव अपॉन यू, ओके, ट्राई टू सॉल्व बाय ओन। मेन चीज क्या था कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग ने क्या किया? सिंप्लीफाई किया, ठीक है। थ्री रेशियोज आर देयर, सो हमने पहले फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो को इक्वेट किया, उससे एक इक्वेशन मिला, देन सेकेंड एंड थर्ड रेशियो को इक्वेट किया, उससे और एक इक्वेशन मिला, ओके। सो आई होप यू कैन सॉल्व बाय योर ओन। चलो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट। Taking it, let me change the board. Okay. So here is one sum of substitution. Let's go for this question number 6 immediately. And in that question, there is one, actually, there are very interesting sums. Okay. So I would like to solve this. Third one, okay. First and second one you can easily relate with your 1.4. The question number one is there, then question number two is there, that you can relate with 1.4 easily, okay. This is something a different stuff that you are able to see in the third question. So wo pehle dekh lete. So let me write this question first of all for you. वन फोर्टी एट अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 527 अपॉन एक्स वाई, ओके। एंड देन देर इज अनदर इक्वेशन 231 अपॉन, तो आधे लोग को फटक से समझ में आएगा कि ये इंटरचेंज वाला सम है, यानी कि 1.1 में जो लास्ट दो सम्स पढ़े थे हम लोग ने, 1.1 के जो लास्ट दो सम्स है इंटरचेंज केस, उसके तरह ये है, बिकॉज कोएफिशिएंट वी कैन सी क्लियरली दे आर स्वैप्ड। 148 अपॉन वाई एंड हियर इट इज 610 अपॉन एक्स वन, ठीक है। नाउ इन दिस केस व्हाट वी विल डू, सिंपल क्या कर, देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है और यहाँ पे एक्स एंड वाई दिख रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बात खत्म। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो on the left hand side what you will get is x into y, that is xy, then 148 into y plus ye x upar jayega,
2 31x इज इक्वल्स टू 527 अपॉन x1। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये पहला वाई है बाद में एक्स है, तो इसको इंटरचेंज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, 231x + 148y इज इक्वल्स टू 527। ठीक है, दिस कैन बी योर इक्वेशन नंबर 1। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टफ यू कैन डू ओवर हियर, सो लेट्स डू इट, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये इट इज 231y प्लस ये एक्स उधर जाएगा तो 148x बराबर है, और अगेन दिस एक्स वाई एंड एक्स वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाले को आगे ले लो, 148x + 231y इज इक्वल्स टू 610, इक्वेशन नंबर। So now we have simplified this equation and you can see they are interchanged form. They are interchanged form की सम से वो interchanged form ये होता है कि जिसमें x और y के coefficient equation number 1 में जो भी है वो equation number 2 में बदले हुए रहेंगे, x का coefficient जाएगा y को, है ना, x का coefficient जाएगा y को और y का coefficient जाएगा x को। तो ऐसे situations में क्या करना है, मैं बाजू में लिख के देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज केस, अदला बदली, क्या बोलते हैं इसको, इंटरचेंज या अदला बदली। तो ऐसे अदला बदली वाले केस में करना क्या है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी विल एड बोथ इक्वेशंस, एड बोथ इक्वेशंस एंड गेट गेट वन सिंपल इक्वेशन, गेट वन सिंपल इक्वेशन, लिमिट एज 3, लिमिट एज 3। ओके, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ऐड किया, अभी सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस एंड गेट अनदर सिंपल इक्वेशन, एंड गेट अनदर सिंपल इक्वेशन लिमिट एज, लिमिट एज 4। ठीक है, एंड देन थर्ड स्टेप तुम लोगों को पता है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप्स दैट यू विल फॉलो फॉर दी दिस थिंग, इंटरचेंज और अदला बदली केस के लिए स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिख के दिए है, तो लेट्स फॉलो द स्टेप्स। पहले एडिशन करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिशन में एज यू नो गाइज, एडिशन में कोई भी साइन चेंज वगैरह कुछ नहीं होता है, नो ड्रामा नथिंग, नॉर्मल एडिशन करना है। ठीक है, तो अभी इसका एडिशन देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट एट योर एंड ऑल्सो, इट इज कमिंग अराउंड 379x, एंड ऑब्वियसली इसका भी एडिशन उतना ही आएगा ना, दो सेम ही नंबर है, ऑर्डर अलग है लेकिन नंबर तो सेम ही है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस यहाँ पे आएगा 379y, और इसका एडिशन जो है 527 एंड 610,
5 2 7 प्लस 6 1 0, इसका आंसर आएगा 1137। ओके ठीक है। एंड नाउ गाइस देखो, आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ना, हमेशा एक चीज याद रखो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट ना तुम लोग को सेम ही मिलने वाले हैं। तो बट ऑब्वियसली तुम लोग उनको क्या करोगे, उस कोएफिशिएंट को कॉमन लो सकते हो। यू कैन टेक द कॉमन एंड यू कैन सेंड इट ऑन अदर साइड। ठीक है, मैंने 379 को कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लिया मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो वो साइड में जाएगा तो डिविजन में जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1137 अपॉन 379। तो दिस थिंग यू हैव टू सॉल्व बाय डिवीजन। ठीक है, थोड़ा डिवीजन वगैरह करना पड़ेगा, मतलब 379 का टेबल, या फिर तुम लोग जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करके करते हो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आएगा वो मैं बताता हूँ। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर विल बी 3। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, जैसे देखो हमने स्टेप में लिखा था कि एड बोथ इक्वेशंस, जस्ट वन सेकेंड लेट मी, एड बोथ इक्वेशंस, एंड गेट वन सिंपल इक्वेशन। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन लग रहा है, इसको नाम दे दो तुरंत इक्वेशन नंबर 3, राइट। एंड सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। बट गाइस सब्ट्रैक्शन के मामले में यू हैव टू स्टे वेरी मच कॉशियस अबाउट द ऑर्डर हाउ यू आर राइटिंग। ठीक है, अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, देखो ऑर्डर कुछ भी रखो चलेगा, बट जो लिखा है ना स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन का जो स्टेटमेंट लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखना जरूरी है, उसको अरेंज करना जरूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो ये एक सिंपल बात याद रखो कि फ्रॉम के आगे वाला जो रहेगा वो रहेगा अबव, फ्रॉम के आगे वाला अबव, और फ्रॉम के जो पीछे वाला है वो रहेगा बिलो। फिर तुम लोग ऑर्डर, तुम लोग को मन को जो चाहिए वो ऑर्डर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये एक चीज याद रखो कि फ्रॉम के आगे वाला अबव रहेगा और फ्रॉम के पीछे वाला बिलो रहेगा, ये चीज एक याद रखो। ठीक है, तो अभी ये मैंने जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि 148x प्लस 231y इज इक्वल टू 610, ये ऊपर रहेगा, माइनस ये वाला इक्वेशन जो है दैट इज 231, उप्स सॉरी, ये नीचे रहेगा। ठीक है, नाउ गाइस इन सब्ट्रैक्शन एज वी ऑल नो कि साइन चेंज होने वाले हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन करने के पहले टोटल 6 टर्म्स है, ऊपर 3 रहेंगे नीचे 3 रहेंगे, उनको अपने ओरिजिनल साइंस दे दो, जस्ट गिव देम देयर ओरिजिनल साइंस, स्पेशली ये जो पहले 2 टर्म है तो ना, पहले 2 टर्म इनको उनके ओरिजिनल साइंस दे दो, ओरिजिनल साइंस दे दिया मैंने। अब देखो साइंस सबको लगे हुए हैं, इनको भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं अगर तुम लोग साइन दे के आएंगे तो। ठीक है, साइन दे दिया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन द साइन ऑफ लोअर इक्वेशन विल चेंज, मतलब प्लस बनेगा माइनस, और माइनस अगर रहता तो वो प्लस बनता था, अभी फिलहाल तीनों भी प्लस है तो ये सब के सब क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे। और अगर तुम लोग इसका सब्ट्रैक्शन करोगे इसका आंसर देखो क्या मिल रहा है, 148। ना देखो अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, 148 माइनस 231, अभी लेटेस्ट साइन अप्लाई होगा, 148 माइनस 231 आंसर आपको आएगा -83। जाहिर सी बात है 231 इज अ बड़ा नंबर, बिग नंबर, तो उसका साइन आंसर को जाएगा। देन अगर आप इसका भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस है, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन का आंसर तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, बट वो कैसे रहेगा, प्लस में रहेगा, प्लस 83y इज इक्वल्स टू, बिकॉज 231 बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर का साइन जाएगा दैट इज प्लस।
एंड ना इसका फाइनली देखो आप 610 प्लस है, 527 माइनस है राइट, 610 माइनस 527, सो इसका आंसर क्या आने वाला है, 83, 83 ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ओनली 83 को कॉमन लेंगे तो भी चलेगा, कोई गलत देने वाला नहीं है, हर बार माइनस 83 को ही कॉमन लेना जरूरी है ऐसी बात नहीं है, यू कैन टेक कॉमन 83 ऑल्सो। अगर मान लो मैं 83 को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा, खाली 83 को लिया तो अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 83। नाउ दिस 83 वी आई विल सेंड ओवर देयर, सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 83 अपॉन 83, द आंसर इज गोइंग टू बी प्लस वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। नाउ यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस आफ्टरवर्ड्स राइट बाय आर बेसिक रूल्स ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर सम, ओके। सो कैन यू सिंप्लीफाई दिस सम फर्दर और कैन यू सॉल्व दिस सम फर्दर, प्लीज ड्रॉप इन चैट बॉक्स। सिंप्लीफाई तो मैंने करके दिया है ऑलरेडी, तुम लोगों को क्या करना है, खाली इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस योर इक्वेशन नंबर 4 इनको तुम लोगों को सॉल्व करना है ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व, ओके। सो लेट्स गो फॉर सम मोर सम्स, जस्ट उसके नीचे वाला ये एक सम है देखो, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ सम ठीक है। सो लेट्स राइट 7x माइनस 2y अपॉन 6y इक्वल्स टू 5, नाउ इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको अगेन एक सेकेंड दो, चलिए सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अभी ये वाला जो सम है ना ठीक है, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, यानी कि 1.4 से सॉल्व होगा, 1.4 1.4 से सॉल्व होगा, देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट द थिंग्स आउट ओवर हियर, मींस आई विल राइट दिस एज 7x अपॉन xy देन माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5। पहले मैं एक इक्वेशन सॉल्व कर लूं, फिर ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। देन यू कैन सी हियर कि x और x ये कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर एज 7 अपॉन y माइनस ये y और y कैंसिल हो जाएगा, will get the answer as 2 upon x. All right? ठीक है? What I will recommend you, तुम लोगों ने पहले के सब equations में x को पहले रखा है, y को बाद में रखा है, right? तो वही order follow करो. तो ये जो x वाला part आगे आना चाहता है, ठीक है? इसको आगे ले लो, minus 2 upon x, और ये plus है, तो इसको पीछे डाल दो, plus 7 upon y. एंड देखो ऐसी जब दुविधा आती है तो तुम लोग और एक चीज कर सकते हो, वो भी मैं आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, वन मोर थिंग व्हाट यू कैन डू, अगर तुम लोग का एक्स नेगेटिव है तो क्या करो, साइड चेंज करो, लेकिन देखो कैसे है, इन दोनों को वहां पे भेज दो और फाइव को यहाँ पे लेके आओ, सो क्या होगा, दिस फाइव विल कम एज अ माइनस फाइव, देखो फाइव यहाँ पे प्लस के फॉर्मेट में है तो वहां पे आएगा तो माइनस के फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे आएगा टू अपॉन एक्स, ये आएगा माइनस सेवन अपॉन वाई ठीक है, एंड देन चेंज द साइड एंड देन चेंज द साइड्स, ये वाला ऑपरेशन समझा क्या, जो भी ऑनलाइन है प्लीज
यस और नो डालो, ये वाला ऑपरेशन समझा है क्या? वी आर हैविंग फोर पार्टिसिपेंट्स विद अस, सो यू कैन फॉलो आइदर दिस ऑपरेशन, यू कैन फॉलो आइदर दिस ऑपरेशन और दिस ऑपरेशन, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लगा लो। मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूँ बोलो? फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करूँ कि सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करूँ? टेल मी विच ऑपरेशन आई शुड अप्लाई और विच ऑपरेशन यू आर फाइंडिंग ईजी। द सेकेंड वन, ओके द सेकेंड वन, ठीक है। सो दिस इज आर इक्वेशन, ऑल राइट, कीप इट एज इट इज, लेट्स वर्क ऑन दी दिस वन। सो अगेन वी विल डू द सेपरेशन, एट एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। अगेन द कैंसिलेशन पार्ट विल बी देयर, एक्स एक्स विल गेट कैंसिल, सो विल गेट हियर 8 अपॉन वाई प्लस हियर वाई वाई विल गेट कैंसिल, सो विल गेट 7 अपॉन एक्स। एंड नाउ हियर नो नीड टू मेक एनी ड्रामा बिकॉज द एक्स का जो साइन है वो ऑलरेडी प्लस है, तो नो ड्रामा इज रिक्वायर्ड, जस्ट राइट चेंज देयर ऑर्डर, आगे पीछे कर दो, बस बात खत्म, ठीक है ना? वाई निगेटिव रहेगा तो भी चलेगा, हम लोग उसको देख के हड़बड़ नहीं जाते, लेकिन एक्स निगेटिव आया तो उसको देख के हड़बड़ जाते हैं। इसके लिए मैंने बोला था कि ये प्रोसीजर अप्लाई करो इफ योर एक्स इज नेगेटिव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेन ऑल, जस्ट चेंज द पोजिशंस एंड चेंज द साइड, ठीक है? सो दिस इज योर वन मोर इक्वेशन यू आर हैविंग। एंड नाउ इफ यू विल सी दिस बोथ इक्वेशंस, विल इमीडिएटली रिकॉल अबाउट द 1.4। 1.4 में सब्स्टिट्यूशन पाथ वाज देयर, सो हाउ टू सब्स्टिट्यूट दिस थिंग? 2 अपॉन एक्स है, उसमें से हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर 4 अपॉन 3 है बराबर है, तो इसमें से 4 को अलग करना है, तो 4 को बाजू में उड़ा दिया, तो ये क्या बचेगा, 1/3। इस तरह से वी यूज टू सेपरेट द न्यूमरेटर पार्ट, वी यूज टू सेपरेट द न्यूमरेटर पार्ट। ऑब्वियसली वी हैव टू सेपरेट द न्यूमरेटर पार्ट बिकॉज योर वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, योर वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है? सो इसको सेपरेट करेंगे 2 into 1/x, इसकी तरह ये सॉल्व होगा, इसकी तरह ये सेपरेट होगा, ठीक है? सिमिलरली हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले 7 को सेपरेट किया तो 1/y, राइट? सिमिलरली यू कैन डू द सेपरेशन थिंग ओवर हियर, 7 into 1/x प्लस 8 into 1/y इज इक्वल्स टू 15। वी आर सेपरेटिंग द न्यूमरेटर पार्ट्स, राइट? And then what you can see, 1/x is here also and 1/x is here also. So what we can do is we can replace this 1/x part by some another variable. So I will give 1/x is equals to any variable you can give, m. Again similarly 1/y is here, 1/y is here. So उसके लिए भी और एक variable डाल देंगे, 1/y is equals to n. And these equations will transform like this. Okay. You see the transformation 2m minus 7m is equals to minus 5. Correct? So, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 7m, इसके जगह पे m जाएगा ना, और उसके जगह पे n जाने वाला है, तो 7m माइनस 7m प्लस 8n is equals to 15, correct है? And now, as we all know, 1.4 में हम लोग क्या करते थे? इन दो equations को हम लोग solve करेंगे by our regular method. You will get the values of m and n. You will get the values of m and n after solving them. देखो maths है, थोड़ा practice खुद को करना पड़ेगा. After solving by regular steps. After solving by regular steps, ठीक है, you will get the values of m and n, okay? So after that, what you can do is you can resubstitute the values of m and n like this. M का suppose एक value मैं निकाल के देखता हूँ क्या.
सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल इमीडिएटली गेट टू नो ना कि दोनों का वैल्यू ना वन वन आ रहा है, एम इज इक्वल्स टू वन आ रहा है और एन इज इक्वल्स टू भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, सो अभी मैं रीसब्स्टिट्यूट कैसे करने का मैं बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि बट एम इज इक्वल्स टू वन बाय एक्स, सो एम के यहाँ पे क्या आएगा वन एंड वन बाय एक्स, एंड सिंस यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ना, तो ये हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, एक्स ऊपर जाएगा यहाँ पे आएगा वन बाय वन, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा वन। सेम प्रोसीजर यू कैन फॉलो हियर, एन इज इक्वल्स टू बोलेंगे वन बाय वाई, एन का वैल्यू आया है वन एंड वी विल रिप्लेस द वैल्यूज, सो वाई ऊपर जाएगा ये वन नीचे आएगा, अगेन द वाई का वैल्यू इज ऑल्सो वन। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दैट फोर्थ सम। ठीक है, द रिकॉर्डिंग विल बी देयर सो डोंट वरी, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, इफ यू फॉर दिस इंस्टेंट इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो। ओके, देन देर इज अ फिफ्थ सम, आई विल डू द सेपरेशन ऑफ दैट सम, बट अगेन सॉल्विंग का काम तो तुम लोग ही करेंगे। चलिए, सो दिस इज योर सम, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फिफ्थ सम देखते हैं, फिफ्थ सम। ठीक है, ऐसा कुछ तो है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ये ऐसा कुछ है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर। ओके, नाउ मैं एक इक्वेशन सॉल्व करके बताऊंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, देन रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नाउ जैसे हम लोगों ने वहां पे न्यूमरेटर, जैसे देखो 4/3 में हम लोगों ने न्यूमरेटर को सेपरेट किया था 4 into 1/3, तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व, वी कैन सेपरेट आउट द डिनोमिनेटर पार्ट। कैसे देखो, कुछ नहीं अलग, कुछ नहीं मतलब बेसिकली देखो, अगर ऐसे है 1/2x है, ठीक है, इसको सेपरेट करना है, 2 को सेपरेट करना है, तो क्या आएगा, ये 2 निकल जाएगा, बराबर है, इधर आएगा x और इधर दोनों जगह पे क्या आएगा वन। ओके, सो प्लीज वर्कआउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, घुमा फिरा के एक ही बात है रे बाबा, एक ही बात है, अगर मैं इसमें सेपरेशन अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे अप्लाई करूंगा, देखो मैं इस कोएफिशिएंट को बाजू में निकालता हूँ, ये वाला पार्ट एज इट इज रखता हूँ, वेरिएबल वाला पार्ट एज इट इज रखूंगा, दैट इज 3x + 4y। ठीक है, एंड मैंने इस कोएफिशिएंट को बाजू में निकाला, दैट इज द 2, डिनोमिनेटर में से बाजू में निकाल दिया, और इसका न्यूमरेटर कुछ नहीं, मतलब इसको मैं दे दूंगा 1, क्योंकि 1 into 1 फिर से 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू हैव टू सेपरेट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगेन ये वेरिएबल वाला पार्ट बाजू में निकालो पहले, 1/2x - 3y एंड ये इन टू जो कोएफिशिएंट वाला पार्ट है 5 बाहर आ गया, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, इन दिस वे वी विल राइट द होल स्टफ एंड देन व्हेन वी विल कम टू द सेकंड इक्वेशन आल्सो यू विल इमीडिएटली गेट टू नो कि यार ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट एक्चुअली द कॉमन पार्ट, दिस पार्ट यू विल फाइंड इन बोथ द इक्वेशंस, बराबर है, तो जो पार्ट बोथ द इक्वेशंस में रहेगा उसको तुम लोग को ऑब्वियसली पता है क्या करना है, क्या करना है, उसको एक दूसरा वेरिएबल दे देना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/, लेट्स अज्यूम 1/3x + 4y है, उसको हम लोग दे देते हैं ए, कैपिटल ए दे दिया, हम लोग स्मॉल ए भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जो दूसरा है 1/2x - 3y उसको दे दिया अपन ने बी। ठीक है ना,
अब दो सब्स्टिट्यूशन हो गए, अभी इसके वैल्यूज फिट करो, अभी मजा आएगा देखो। 1/2 × a प्लस 1/5 इंटू बी इज इक्वल्स टू 1/4। ऑलराइट, नाउ ए इंटू 1 बी इंटू 1, योर आंसर विल बी ए बाय 2 प्लस बी बाय 5 इज इक्वल्स टू 1/4, राइट? बराबर है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और क्या ही कर सकते हैं? तो गाइस सी, देखते हैं हम लोग। पहली बात तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ठीक है, उसका पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 5s are 10, then here you will get 5a and here you will get 2b is equals to 1/4 is already there, and now this 10 is unwanted for you guys, so send the 10 on that side, division में तो वहाँ पे जाएगा तो multiplication में जाएगा। 5a plus 2b is equals to 10/4, सीधी बात है ना, 10 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/4 ही आएगा आंसर। नाउ इसको थोड़ा अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो कर ही दो सिंप्लीफाई, थोड़ा लंबा प्रोसेस है देखो, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मार्क्स भी तो लंबे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। 2 5s are and 2 2s are, सो फाइनली यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टफ विथ यू। अभी इसमें भी क्या है, ये जो डिनोमिनेटर 2 है वो अनवांटेड है, तो तू क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना। ऐसा भी एक इक्वेशन, मतलब 1.1 में ही मेरे ख्याल से थर्ड लास्ट सम है, थर्ड लास्ट सम जिसमें द कोएफिशिएंट इज अ फ्रैक्शन, यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, वी विल मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 2, तो क्या आएगा आंसर देखिए। इसको इस तरह से लिखना है, शॉर्टकट मत मारो, शॉर्टकट मारेंगे तो तुम लोग को भी नहीं समझेगा और जो चेक करने वाला है उसको भी नहीं समझेगा, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर इज 10a + 4b, हियर 2 2 विल गेट कैंसल, द आंसर विल बी 5, करेक्ट है, करेक्ट है। सो इनिशियली देखो, जो अपने इनिशियल इक्वेशंस थे ना, जो अपना इनिशियल इक्वेशन जो था जैसे आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इसको हम लोग को 1 दे देना है, कि जो सेकंड था, जो सेकंड जो तुम लोग सॉल्व करोगे उस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, उसको 2 दे देना है। बाद में ये जो इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है इसको 3 दे दो। देखो इक्वेशन का सीक्वेंसिंग कैसे देना ये तुम लोग को ऑटोमेटिकली समझना जाएगा, जैसे जैसे नया नया इक्वेशन मिलता है उसको सीक्वेंस देते जाओ, ठीक है? या 1 2 और इसको 3 दे दिया, एंड वैसे ही अभी देखो 1 को सॉल्व करके मुझे 3 मिला है ना, इस 1 को सिंप्लीफाई करके मुझे 3 मिला है, वैसे 2 का भी कुछ ना कुछ तो रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, बराबर है। अब ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, दिस थिंग यू कैन सॉल्व बाय योर ओन, ओके? मेरा काम इतना अरेंजमेंट कैसे होता है वो करके, अरेंजमेंट करके दिखाना चाहिए, तो मैं सेकेंड इक्वेशन का भी करके देता हूँ अरेंजमेंट, सेकेंड इक्वेशन का मतलब उसी सम का सेकेंड इक्वेशन, उसका अरेंजमेंट, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 5 / 3x + 4y माइनस 5 अगेन। नाउ यहाँ पे सेपरेशन न्यूमरेटर से होगा, न्यूमरेटर से सेपरेट होगा, तो न्यूमरेटर सेपरेट करो 5, और यहाँ पे बचेगा आपका 3x + 4y² ब्रैकेट, यहाँ से 2 को निकालो, अभी बचेगा आपका 2x - 3y, और यहाँ पे -3/2, क्लियर है? एंड फिर इसके जगह पे तुम लोग को पता है कि ए डालना है और इसके जगह पे बी डालना है, तो क्या आएगा, 5a - 2b, यहाँ पे क्या -3/2। फिर पता है ये डिनोमिनेटर 2 हटाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ, करेक्ट है? करो मल्टीप्लाई, देखते क्या आता है आंसर।
फाइव माइनस टू बी, टू इंटू माइनस थ्री बाई टू, ये आएगा आपका टेन ए माइनस फोर बी, टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आएगा माइनस थ्री, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर फोर। सो अब जो ये दो इक्वेशन है तुम लोग के पास, कौन से दो इक्वेशन है भाई, ये देखो ये वाला थर्ड एंड सीधा फिर ये वाला फोर्थ, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ, ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट, यू विल नॉट गेट द फाइनल आंसर, यू विल गेट द आंसर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। उसको बाद में फिर से रीसब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ये वाला सुनना कुछ ज्यादा ही बड़ा है, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट मोर टू इक्वेशंस, यू विल गेट रीसब्स्टिट्यूशन ए और बी करने के बाद तुम लोग को आंसर मिलने वाला नहीं है, याद रखो। रीसब्स्टिट्यूशन करने के बाद यू विल गेट मोर टू इक्वेशंस, यू विल गेट मोर टू इक्वेशंस, और उनको फिर से तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा टू एक्चुअली गेट द वैल्यू ऑफ योर दिस एक्स एंड वाई। तो लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा पेशेंस के लिए और थोड़ा कॉशियस के साथ, कॉशंस के साथ करना पड़ेगा, ओके। चलो सी, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम सेट, सो देयर इज अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेट दैट वी आर ट्राइंग टू डू, ओके। लेट्स वेट, लेट मी टेक सम वाटर।
ओके नाउ लेट्स सी सम वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स ओके. वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम सेट, सो वी हैव प्रॉब्लम सेट वन. वेरी इंटरेस्टिंगली वी विल सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले डील करेंगे. ओके राइट. चलो नाउ सी द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एंटायर वर्ड प्रॉब्लम थिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का 6. वी विल सॉल्व सम अदर सम्स आल्सो फ्रॉम दैट, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं. ओके, प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड. सो ये सब में ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दिस इज योर प्लेस ए, दिस इज योर प्लेस बी. ठीक है, एंड इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. द डिस्टेंस इज अबाउट 30 किलोमीटर. ठीक है, हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल्स टूवर्ड्स ए. देखो ये डायरेक्शन है हमीद का. मैं फिर से रोड निकलता हूँ. ठीक है, ये निकला अमित. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल टूवर्ड्स ए. टूवर्ड्स ए का मतलब क्या है, वो बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, ये हो गया आपका जोसेफ. दिस इज द डायरेक्शंस. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. मीन्स आफ्टर 20 मिनट, सपोज एक में मीट कर रहे हैं ना वो, मतलब मैं एक यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं एम. तो यहाँ पे दोनों लोग क्या हो गए, मिल गए. एच एंड जे मिल गए, करेक्ट है. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और जो ये मिलने का काम है, मतलब ये जो मिले हैं वो आफ्टर 20 मिनट्स मिले हैं. तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमिद ने, दिस इज योर डी एच, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमिद. दिस डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड इन 20 मिनट, करेक्ट है. एंड दिस मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, एंड ऑल्सो दिस मच डिस्टेंस दे हैव ट्रैवल्ड इन 20 मिनट. ही हैज ट्रैवल्ड इन 20 मिनट. ठीक है, क्योंकि 20 मिनट के बाद दोनों भी एक जगह पे मिल रहे हैं ना, तो पॉइंट एम पे वो लोग जब आएंगे, बराबर है, पॉइंट एम पे वो लोग दो जब मिल रहे हैं, तो घड़ी में कितना हो गया, हमिद की घड़ी में भी 20 मिनट हुआ है और जोसेफ की घड़ी में भी 20 मिनट हुआ है. ठीक है, ओके. नाउ अगर हम लोग थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन के एंड में जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के एंड में जाएंगे, तो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द स्पीड. They're asking us to find the speed. ठीक है,
स्पीड ऑफ हमिद एंड स्पीड ऑफ जोसेफ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमिद का स्पीड है उसको हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, स्पीड एच मतलब हमिद, एंड दूसरा कौन है बोलो, स्पीड जोसेफ जे, तो इसको हम लोग लेंगे एक्स किलोमीटर पर आर, एंड जोसेफ को हम लोग लेंगे वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है? ओके चलो, स्पीड का अजम्पशन हो गया, जो फाइंड आउट करना है उसको हमने अज्यूम कर लिया। अब कंडीशन कैसे फॉर्म करेंगे वो जरा देखो। यू कैन क्लियरली सी द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी, ये टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर है ना, करेक्ट है? और यहाँ पे तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि जो ए बी है, द ए बी इज इक्वल्स टू एक्चुअली ए एम प्लस एम बी, राइट? फ्रॉम डायग्राम यू कैन से द ए बी इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी। कुछ डिस्टेंस जोसेफ हमिद ने ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस जोसेफ ने ट्रैवल किया, राइट? तो द टोटल ए बी इज 30 किलोमीटर दैट वी नो, एंड ए एम इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमिद, ए एम इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमिद, एंड एम बी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो अजम्पशन है वो स्पीड का है, डिस्टेंस का अजम्पशन तो है नहीं, कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमिद इज एक्स किलोमीटर, ऐसा अजम्पशन नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पीड के फॉर्मूला में। उस फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है? अपने को डिस्टेंस को हटाना है ना, तो ये टाइम को उधर भेज दो, तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है? सी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। सो दिस फॉर्मूला वी विल यूज इन ऑर्डर टू रिप्लेस आर डिस्टेंस, ओके? नाउ यू सी अगेन, आई विल राइट हियर 30 डीएच के यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा बोलिए? एस, एस मतलब क्या है, स्पीड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस एच, स्पीड ऑफ हमीद, मैं ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे टाइम जो है, मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम और हाउ मच टाइम इट टुक टू कवर दिस मच डिस्टेंस, सो दैट टाइम इज 20 मिनट, दैट टाइम इज 20 मिनट, ओके? मैं अभी के लिए ऐसे रख देता हूँ इसको। प्लस डीजे का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, सेम बाय दिस एस जे, स्पीड ऑफ जोसेफ इनटू टाइम। ना मैंने टाइम को अलग अलग क्यों नहीं लिया पता है क्या? क्योंकि जो डिस्टेंस हमिद ट्रैवल कर रहा है वही डिस्टेंस जोसेफ भी ट्रैवल कर रहा है, और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, 20 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, 20 मिनट में। उन लोगों का टाइमिंग सेम है। अब ये हो सकता है कि कोई ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले या कोई कम डिस्टेंस कवर कर ले, क्योंकि उनका स्पीड अलग अलग है। अब यहाँ पे स्पेशली में देखो, टाइम जो है इट इज द टाइम इज गिवन इन 20 मिनट, लेकिन अपने अजम्पशन में द टाइम इज इन आर, राइट? तो इसके लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट टू आर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी सिंपली डिवाइड इट बाई 60, डिवाइड इट बाई 60, सो दिस विल बिकम 1/3 आर, 1/3 आर। अब वैल्यू डालो यहाँ पे, 30 स्पीड ऑफ हमिद जो अपना अजम्पशन है, स्पीड ऑफ हमिद दैट इज एक्स, टाइम कितना है 1/3, प्लस स्पीड ऑफ जोसेफ इज वाई, टाइम कितना है 1/3। इसको थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स इंटू वन इज x/3 प्लस y/3, राइट? देन वॉट यू विल डू इज, डिनोमिनेटर सेम है, यू कैन राइट दिस थिंग एज एक्स प्लस वाई अपॉन, डिनोमिनेटर्स आर ऑलरेडी सेम ना, एंड देन वी विल सेंड दिस 3 ओवर देयर, तो 30 × 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। फाइनली वी विल गेट द इक्वेशन एज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, इक्वेशन नंबर 1। फाइनली 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 ये एक इक्वेशन मिला है अब तक, इतना पूरा प्रोसीजर करने के बाद एक इक्वेशन मिला है आपने,
ओके क्लियर है? ठीक है, सो सब ये किस पे से पता चला, डायग्राम पे से पता चला, डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग देखते हैं फॉर सेकंड कंडीशन। लेट्स गो फॉर सेकंड कंडीशन, व्हाट दे आर सेइंग। सेकंड कंडीशन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कंडीशन अगेन। अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट, बिकॉज डायग्राम के सिवा वो समझेगा नहीं। दिस इज द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ओके। और देखिए आगे क्या है। इफ जोसेफ, इफ से सेकेंड कंडीशन चालू होता है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या, देखो अभी ए से निकला अगेन हमिद, ए से निकला हमिद, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, और जोसेफ जो कि पहले बी टू ए जा रहा था, जोसेफ पहले कैसे जा रहा था, बी टू ए, लेकिन अभी वो कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बी से भाग रहा है, वो बी से आगे भागे जा रहा है, बी से आगे, मतलब आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर। ये जोसेफ है, ये जोसेफ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इनकी बाइक है, ठीक है। हमिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स, हमिद वुड हैव कॉट हिम, मतलब क्या है, ये लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, देखो ये हमिद आया, ये हमिद आया, ये जोसेफ भागा, बराबर है। ऐसे करते 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 मैं और एक डायग्राम निकालता हूँ। ऐसे करते 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 फाइनली एक पॉइंट सी आया कि जहां पे ये हमिद ने जोसेफ को पकड़ लिया। क्या हुआ, जब वो हमिद और जोसेफ मिले थे ना पहले सब में, तो क्या हुआ, जोसेफ ने हमिद से पैसा लिया था, जब वो लोग मिले तो जोसेफ ने हमिद से पैसा लिया था। अभी जब पैसा रिटर्न करने का टाइम आया तो जोसेफ के पास पैसा नहीं था, तो इसके लिए सेकंड कंडीशन में क्या हो गया, जोसेफ अपोजिट दिशा में भाग रहा है, बराबर है, जोसेफ इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पैसा ही नहीं देने के लिए क्या करेगा, डन। तो लेकिन हमिद भी, हमिद को भी पैसा चाहिए, तो हमिद भी उसके पीछे भाग रहा है, तो आफ्टर 3 आवर्स उसने पकड़ लिया। अब आप ये डायग्राम देखो ध्यान से और मुझे बताओ, इस पॉइंट सी पे अभी दोनों खड़े हैं, हमिद भी खड़ा है और जोसेफ भी खड़ा है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस ए सी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमिद, नाउ दिस एंटायर ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमिद, यू सी दिस इज द बी सी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, बी सी दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, एंड एज वी नो द ए एंड बी इज हाउ मच, इट इज 30 किलोमीटर। ओके, नाउ बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम यू कैन इजिली फॉर्म द इक्वेशन एज, इस डायग्राम को इक्वेशन देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक बड़ा सिंपल बात है। पहले बड़ा सेगमेंट ले लो ए सी, ए सी इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, एंड ए सी कितना है, ए सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमिद, ए बी का वैल्यू 30 है, एंड बी सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, ठीक है। नाउ इस डीजे को उधर भेज दो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, बराबर है। नाउ अगेन अगेन अपने पास डिस्टेंस में कुछ नहीं है, अपने पास स्पीड में है, तो डिस्टेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इधर क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम माइनस, इधर भी क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। अगेन मैंने टाइम को अलग अलग क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो दोनों मिलने वाले हैं ना, मतलब जितना डिस्टेंस, जितना नहीं बोल सकते लेकिन हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो डीएच डिस्टेंस है वो हमिद ने 3 घंटे में ट्रैवल किया है, और ये जो सेम डीजे डिस्टेंस है ये डीजे डिस्टेंस जोसेफ ने 3 घंटे में ट्रैवल किया, इसके लिए उनके टाइमिंग को मैं अलग अलग नहीं कर रहा, टाइमिंग को सेम ही रख रहा हूँ, और अभी ये टाइमिंग आर में दिया है ना, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमिद का स्पीड कितना था, अजम्पशन कितना है अपना, एक्स एंड वाई,
हमिद एक्स है, इधर क्या आएगा, एक्स इंटू थ्री, इधर क्या आएगा वाई इंटू थ्री, इधर आएगा 30, ये बन जाएगा 3x-3y इज इक्वल टू 30। अभी व्हाट यू कैन डू, या तो इसको ऐसे ही रखो सॉल्व करना है तो, या तो 3 को कॉमन लेके उधर भेज दो, तो और छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा बेचारा। कॉमन लिया उसको डिवीजन में भेज दो, दिस इज योर 30/3, द आंसर इज x-y इज इक्वल टू 12, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। सो ये वाला जो हमेद एंड जोसेफ वाला समझो गाइस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, डायग्राम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एनीवेज और यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ऑलराइट, एज ऑफ नाउ वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल कंटिन्यू आर। हेलो जुई, आवाज येतोय का? हेलो हो सर, जुई, आवाज येतोय का? हेलो जुई, हेलो हो हेलो हेलो। हाँ सेकंड से का है, सेकंड का है पाहिजे। सेकंड से का है, हवे ना बोल, अनम्यूट करून बोल ना जुई। हेलो जुई, अनम्यूट करून बोल, हाँ सर, एक सेकंड थांबा। काय 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 ऐकायला येत नाही, काहीच ऐकायला येत नाही आहे मला। टाइप कर ना ना जुई। हेलो सेकंड का है, सेकंड से क्या डाउट है जुई? हेलो हेलो हाँ सर, हेलो हेलो। हेलो, अरे आवाजच नहीं जाते है। मैं बुम्बा, मजा माइक चालू है। हे प्लीज का बक थे बक, माइक चालू है मजा गरीब हेलो। बक्ति सगाई। हाँ अगर सेकंड से काय बोलीस तू, सेकंड काय सांग ना, सेकंड काय तरी टाइप केलेस तो, काय डाउट है कि काय है? नाही सर, ते सेकंड काहीच तुम्ही ऐकायला येत मगाशी नाही है। बोलले ना, फर्स्ट की सेकंड नाही। हेलो अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ये जावेद हमिद तो सम समझ लगा। हाँ, अच्छा, ते वाला होता क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके 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 ओके, ठीक है ओके। वी विल स्टॉप हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर सम मोर वर्ड प्रॉब्लम्स और रिमेनिंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉब्लम सेट वन। अदरवाइज वी विल ऑल्सो गो फॉर द सर्कल का प्रॉब्लम सेट। 2-3 डेज वी विल स्पेंड इन द प्रॉब्लम सेट ऑफ सर्कल। चलो थैंक यू सो मच, पेज कैन लीव, थैंक यू सो मच।